गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चैनल में सभी लोग का स्वागत है। और अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा हम आपको एनालिसिस कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड वहाँ पे न्यूज़ शेयर की जाती है, साथ में डेली बेसिस पे PIB सीरीज भी दोस्तों ला रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स का हमारा बहुत अच्छा कवरेज है और हम लोग स्ट्रेटजी भी शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि जो आप लोग हैं वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक भी करा करें फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है। अभी फ्रेंड्स आप सभी लोग को पता है IBPS RRB का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसके एग्जाम्स अगस्त सितंबर अक्टूबर में चलने वाली है। और SBI क्लर्क का भी आपको पता है क्विकली बहुत ही जल्दी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, उसके बाद मेंस एग्जाम, और मेंस एग्जाम में GA आता है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस। काफ़ी एस्पायरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या पढ़ना चाहिए, GK के अंदर कैसी चीज़ें पढ़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि GK और करंट अफेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक जो अप्रोच है ना, आपको एक अप्रोच अपनी डिफाइंड अप्रोच आपको पता रहनी चाहिए, वरना फ्रेंड्स आपको काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है चीज़ें पढ़ने में। तो मैं इस वीडियो में IBPS जो का एग्जाम हुआ था दोस्तों 2021 में, उसमें सवाल पूछे गए थे, उनका एक बाय एक करके वन बाय वन करके मैं सबका आपको एक दोस्तों क्यों पूछा गया था उसका एनालिसिस देने वाला हूँ। तो आपको एक सही दिशा प्रोवाइड करने में हेल्प मिलने वाली है अभी एग्जाम में। बेसिकली अब जो है ना जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम करंट अफेयर्स यहीं से पूछे जाते हैं। तो अभी आपका जो प्रिपरेशन है ना करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिए। आप देखो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लगभग 400 के आसपास मेंबर्स है, थोड़ा नया चैनल है। आप देख सकते हैं किस टाइप से हम अपना एनालिसिस और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। इस सवाल के एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों, एक पर्टिकुलर क्लिप दिया मैंने ये, आप या तो आप मान के चले SBI कलर क्या आया IBPS RRB PO में, या फिर उसमें किसी ना किसी में आएगा सवाल दोस्तों। अब वन बाय वन करके जो अपना सवालों का लिस्ट है मेरे पास, सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या सवाल पूछा गया था और क्यों सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, एक दिशा मिलने वाली है आपको दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना, 40 में से लगभग यानी कि 33-34 यानी काफ़ी, मतलब आप ये कह सकते हो कि लगभग पेपर का 90% तो करंट अफेयर्स बेस्ड था, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। स्टेट GK का 4 से 5 सवाल पूछे गए थे, स्टेट बैंकिंग के भी कमी थे, तो कुल मिला के करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो दोस्तों मैं आपको टाइमलाइन भी शेयर करूंगा कि कौन से महीने में वो पर्टिकुलर सवाल न्यूज में था, बेसिकली वो न्यूज है, वो सारे सवाल देखेंगे। पहला सवाल दोस्तों पूछा गया था कौन से बैंक ने स्कीम लॉन्च की है, आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी बैंक अगर इनिशिएटिव लॉन्च करता है ना, स्कीम बोलो या फिर प्रोग्राम बोलो या फिर कोई नए टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पर्टिकुलरली दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्कीम लॉन्च की थी, आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम। ये न्यूज दोस्तों 9 दिसंबर की है, 9 दिसंबर यानी कि एग्जाम हुआ था फरवरी में, यानी कि एग्जाम के 2 महीने पहले, ठीक है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल था कि कौन सा देश OECD कंट्रीज को मोस्ट एजुकेटेड माइग्रेंट्स भेजने में टॉप पे आता है। दोस्तों ये OECD से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज है, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, रिपोर्ट आती है, आपको अच्छे से कवर करना होता है दोस्तों। हमारा देश भारत इसमें टॉप में था, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज, आपको पता होनी चाहिए थी दोस्तों। ये भी न्यूज है दिसंबर की, 1 दिसंबर का न्यूज था ये पर्टिकुलर, ठीक है, एग्जाम हुआ था फरवरी में। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन आया था कि पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, इन्होंने दोस्तों एक MOU साइन किया था भारत में फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए। तो बोला था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इन्होंने MOU साइन किया है दोस्तों, अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिसंबर की न्यूज है, ठीक है। UNDP इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स MOU आपको पढ़ने रहते हैं। चलो आगे, उसके बाद में स्पोर्ट्स सवाल आया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी फरवरी में हुआ था उसका वेन्यू पूछा था दोस्तों, 1 महीने पहले का स्पोर्ट्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मेलबोर्न इसका आंसर था। अगला सवाल, पांचवा सवाल पूछा गया था दोस्तों, फिर से बोला था कि कौन से बैंक ने दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया है, आई मोबाइल पे। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर का कोई भी ऐप, कैंपेन, स्कीम, प्रोग्राम, लोन, प्रोडक्ट होता है लॉन्च, उसको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, आई मोबाइल पे ICICI बैंक का प्रोडक्ट था। चलो आगे, सवाल नंबर 6 दोस्तों, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, उसने एक जापान के एक हमें कह सकते हैं, इसमें सवाल ऐसे था दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने JCB इंटरनेशनल के साथ में
दोस्तों एक एग्रीमेंट साइन किया था, तो बोला था कि जेसीबी जो इंटरनेशनल है कौन से देश की संस्था है, जापान। दोस्तों फिर से देखो, बैंक ने कुछ एग्रीमेंट या फिर कुछ एमओए साइन किया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पर्टिकुलर न्यूज के बारे में पता होना चाहिए। अगेन दिसंबर की न्यूज है फ्रेंड्स से। चलो सवाल नंबर 7 पे दोस्तों, सवाल नंबर 7 था कि कौन से बैंक ने FX4U4X रेमिटेंस इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू प्रोडक्ट लॉन्च किया। अगेन बैंकिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया वो न्यूज में आया है, केनरा बैंक ने लॉन्च किया था। दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, बैंक्स जो भी करते हैं प्रोडक्ट या कुछ भी इनिशिएटिव लेते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सवाल नंबर 8 पे, सवाल नंबर 8 था दोस्तों कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी। दोस्तों तो इम्पोर्टेंट डेज है ना, आपको याद होने चाहिए, और उनकी थीम भी कभी कभी पूछती है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। थीम क्या थी फ्रेंड्स इसकी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। चलो आगे, नवा सवाल पूछा गया था दोस्तों, व्हाट इज ए न्यू बैंक, ठीक है। न्यू बैंक ये करंट अफेयर का सवाल था, उस टाइम 100% डिजिटल होता है, कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती, उसको न्यू बैंक बोलते हैं। चलो आगे, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 दोस्तों अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड बैंक संबंधित है। उस टाइम जो है ना हमारा डीपाम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड बैंक के साथ में असेट मोनेटाइजेशन के ऊपर कुछ एग्रीमेंट साइन किया था, तो इसलिए न्यूज में था। इसमें पूछा था कि डीपाम ने कौन से संस्था के साथ में ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया है, कौन सा, वर्ल्ड बैंक। दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक की बहुत ज्यादा न्यूज जो भी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा चांस होता है आने का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कुछ भी इनिशिएटिव होता है ना, उसको आप रट्टा मार लो। अगला सवाल 11वां क्वेश्चन दोस्तों, बुक है लॉकडाउन लाइजेंस, इसका ऑथर पूछा था। बुक्स और ऑथर्स बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तैयारी करनी चाहिए आपको। ये भी दोस्तों थोड़ा पुराना बुक है, जून में न्यूज में था, जून से पूछा था दोस्तों ये, इसकी ऑथर कौन थी, शोभा डे। चलो आगे, सवाल नंबर 12, इस पे फिर से मोबाइल ऐप से पूछ लिया गया दोस्तों कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसने कौन सा ऐप लॉन्च किया है यूपीआई पेमेंट्स के लिए। दोस्तों देखिए, ये फिर से दिसंबर की न्यूज है, एग्जाम के 2-3 महीने पहले डाक पे नाम का ऐप लॉन्च किया था। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 पूछा था दोस्तों, देखो दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन से डैम के ऊपर मनाया जा रहा है। दोस्तों देखो, दुनिया का कोई भी होता है लार्जेस्ट होता है तो अपने आप में इंपोर्टेंट न्यूज हो जाता है। अगेन दोस्तों ये जो न्यूज है ना, 9 जनवरी की है, ये था दोस्तों ओमकारेश्वर डैम, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट न्यूज में था दोस्तों। अगले चलते हैं सवाल नंबर 14 का दोस्तों, इसमें है कि कौन सी संस्था ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया पे आउट लिंक्स, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च पे आउट लिंक्स, ठीक है, बिजनेसेज के लिए। अगेन पेटीएम, दोस्तों पेटीएम जो है वैलेट है, फिनटेक में कह सकते हैं, फिनटेक के जो भी इनिशिएटिव है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिनटेक जो रहता है दोस्तों, डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं ना बैंकिंग के, फाइनेंशियल सेक्टर के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लिया करो। अगला सवाल है दोस्तों, एनएसडीएल ने पार्टनरशिप किए कौन से संस्था के साथ में ताकि कस्टमाइज इंश्योरेंस सॉल्यूशंस दिया जा सके। कस्टमाइज इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए HDFC ERGO। तो दोस्तों देखो, अगेन ये भी एक बेसिकली हम कह सकते हैं एमओयू जो था वो आया है एग्जाम के अंदर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल था दोस्तों सवाल नंबर 16 कि विच बैंक, कौन से बैंक ने लॉन्च किया एक सिग्नेचर वीजा क्रेडिट कार्ड जो कि 10 लाख से ऊपर क्वार्टरली बैलेंस रखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगेन देखो, एक स्पेशल प्रोडक्ट, एक क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया था, इसलिए एग्जाम में आया है ये। अगला सवाल है, कौन से देश ने एक दोस्तों सैटेलाइट डेवलप किया जो कि लकड़ी का बना हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि ये 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 17 की बात कर रहा हूं मैं, वो कौन सा देश है जिसने लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि बना रहा है जो कि 2023 तक लॉन्च होगा। जापान, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जनवरी की न्यूज है, आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। आगे बेसिकली कुछ यूनिक इनिशिएटिव, कुछ यूनिक करा जापान, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज टोटल फंड आउटले फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम। देखो दोस्तों, सरकारी योजनाएं जो भी लॉन्च होती है ना, रट्टा मार लो उसके बारे में, पढ़ लो अच्छे से। सरकारी योजनाएं अभी भी लॉन्च हो रही है उनको तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, देखो देश में वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, तो रोजगार के रिलेटेड इनिशिएटिव्स आते रहते हैं, तो 22,810 करोड़ रुपए
अलॉट किया गया था, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये दोस्तों, मतलब दिसंबर की न्यूज है पर्टिकुलर। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अभी फ्रेंड्स। अगला था 1900 साल अंटार्कटिका एक्सपेडिशन जो है ना, ये था कि कौन से पोर्ट से मतलब यहाँ से डिपार्ट किया था दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मोरमुगाव पोर्ट गोवा में। ये मैंने बोला था, मैंने दिसंबर में चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम बोला था कि मैंने कवर किया। अगर आप मेरा देखोगे ना दिसंबर से जनवरी की मैं करंट अफेयर सीरीज चला रहा हूँ, तो आपको वहाँ बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं दोस्तों। ये पर्टिकुलर भी मैंने बोला था किसी ना किसी सवाल एग्जाम में आएगा और आ ही गया। आगे चलते हैं अगला, अगला 20वां सवाल, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, फिर से सरकारी योजना आ गई। सरकारी योजना अच्छे से पढ़ लिया करो भाई लोगों। पूछा है कि एलिजिबिलिटी, कौन सी उम्र के लोग इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। सवाल नंबर 20 की बात कर रहा हूं मैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, 15 से 35 साल के लोग इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। सवाल नंबर 21, SBM जो बैंक है ना, फॉरेन बैंक है, पूछा था ये कौन से देश का है। SBM बैंक, फॉरेन जो भी बैंक है ना उनकी लिस्ट लेके पढ़ लो कौन सा बैंक किस देश का है। ये है सिंगापुर, सॉरी मॉरिशस। ठीक है, आगे चलते हम लोग। उसके बाद में अगला सवाल था दोस्तों कि कौन सा इंडियन अमेरिकन जो US एयरफोर्स का क्रू है, जो कि दोस्तों नासा ने इंटरनेशनल मतलब स्पेस स्टेशन भेजने के लिए सेलेक्ट किया है, राजा चेरी। दोस्तों राजा चेरी बहुत ज्यादा न्यूज में था उस टाइम, मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ। आप भी पर्टिकुलर जो भी इंडियंस न्यूज में रहते हैं, जो कि बाहर कुछ अपना रुतबा दिखाते हैं, उनको आप याद कीजिए। ठीक है, अगला सवाल पूछा था दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा इंडियास लार्जेस्ट LNG सप्लायर कौन है। ठीक है, उस टाइम दोस्तों न्यूज में आया था, बोला था कि इस पर्टिकुलर देश में कि हम जो है ना इंडिया की LNG इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि LNG को जो सेक्टर उसको बढ़ावा देंगे दोस्तों। ये देश है कतर। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 24। सवाल नंबर 24 है, सिडबी ने दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पार्टनरशिप की थी, एक जो है ना सेक्टर बेस्ड इनसाइट रिपोर्ट लाने के लिए, जिसका नाम था इंडस्ट्री स्पॉटलाइट नाम का एक रिपोर्ट लाने के लिए सिडबी ने पार्टनरशिप किया था। पूछा था कौन सा संस्था के साथ में, संस्था थी CRIF। सितंबर की न्यूज है, पिछले 6 महीने के अंदर कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, अगला था एयरपोर्ट स्ट्रेटजी के सवाल आ गए 25वां, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, पंजाब। जाके देख लो मेरे चैनल पे एयरपोर्ट्स का लिस्ट और एक वीडियो बना रखा है। आगे चलो, सवाल नंबर 26, ओला ने दोस्तों स्कूटर फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप कर रहा है, ओला स्कूटर फैक्ट्री कौन से राज्य में सेटअप कर रहा है, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर से एक बुक पे आ गया सवाल नंबर 27, कौन इस बुक के जो है दोस्तों ना ट्रस्ट एक्सरसाइज किताब के लेखक कौन है, सुजान चोई। देखो किताब और उनके लेखक आप अच्छे से पढ़ा करो। आगे चलते हैं, इसके बाद में पूछा था दोस्तों कि ये जो है ना 51st जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसके जूरी था उसका हेड कौन था, ये न्यूज में था उस टाइम, उसका कौन था, पैब्लो शेशर। मेरा करंट अफेयर है ना दिसंबर का, उसमें मैंने कवर किया है, एक्सपेक्टेड सवाल था, कुछ अलग नहीं आया। ठीक है, कौन था, पैब्लो शेशर। उसके बाद में आया है स्पोर्ट्स दोस्तों, हु हैज बिकम इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर, बताओ भाई कौन बना है, लियोन मैंडन का। स्पोर्ट्स काफी बड़ा कारनामा किया, एग्जाम में आना बनता था। ठीक है, आगे है IFSC के हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, अगेन स्टेटिक सवाल है, इस फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक्सपेक्ट किया जा सकता है, गांधीनगर गुजरात में, पता होना चाहिए आपको। अगला सवाल पूछा गया था कि सेकंड एडिशन जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, दिसंबर की न्यूज थी, मैंने कवर किया करंट अफेयर चैनल पे, आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल दोस्तों थोड़ा रैंडम पूछा गया था, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसके लिए काफी आसान होगा, जो OTT लाइक प्लेटफॉर्म है ना, नेटफ्लिक्स है ये सब, ये बोल रहा था कि जो कौन सा मंत्रालय के अंदर आते हैं, कौन सा मंत्रालय रेगुलेट करता है इन सब को, कौन सा करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नवंबर की न्यूज है। आगे चलो, उसके बाद में दोस्तों इन लोगों ने पूछा था कि NBFC इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट, NBFC कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने दिसंबर करंट अफेयर में कवर किया है, शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अगला सवाल पूछा था दोस्तों
ये बेसिकली दिया हुआ था, ब्लैंक दिया हुआ था कि इज ए प्रो ब्लैंक इज ए प्रोविजन मेड बाय आरबीआई थ्रू व्हिच शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन ऑब्टेन लिक्विडिटी ओवरनाइट, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल आया है सीधी भाषा में, एमएसएफ इसका आंसर था दोस्तों। आप देख सकते हो, मतलब हम एक और सवाल आया था दोस्तों इसके अंदर था कि जो तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ना, उसके अंदर कितनी लिमिट है एलिजिबिलिटी के लिए, 15,000 रुपये, ठीक है 15,000 रुपये। उसके बाद में दोस्तों एक सवाल पूछा था कि कैपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपेक्स का फुल फॉर्म होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक पूछा था विनर ऑफ एटीपी फाइनल्स डैनिल मेडवेडेव। ये सब के सब मैंने कवर किया भाई लोग, मैंने जो करंट अफेयर किया था दिसंबर जनवरी का, काफी सवाल वहां से आए। तो ये आप अप्रोच रखो, मोटा मोटा स्पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, बैंकिंग के एग्रीमेंट्स, एमओयूज, ऐप लॉन्च, जो भी चीजें हैं ऐप्स, सब आप अच्छे से कवर कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, एक और वीडियो लेके आता हूँ ऐसे ही एनालिसिस, आप देखते रहे फ्रेंड्स, सपोर्ट करते रहे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों। चलो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर आप मार मार के उसको दोस्तों भूकंप का झटका महसूस करवा दो। चलो वीडियो खत्म करता हूँ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।